नमस्कार साथियों, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसी बातें मेरे को देखने में आ रही है और सुनने में आ रही है, और जो मैं लगातार ऐसे ट्वीट्स भी देख रहा हूँ जिसमें ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे ही हमारा प्रोटेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, और जिसमें ये बताया जा रहा है कि हम लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, यह सबसे बड़ा हथियार है आज के समय में। आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इसे सबसे बड़ा हथियार नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब तक हम अपनी बात को मनवाने के लिए ग्राउंड पे नहीं उतरेंगे, ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे, तब तक हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं एक सीमित दायरे में रुक कर के रह जाएगी। और सोशल मीडिया का एक रोल है, लेकिन केवल सोशल मीडिया का ही रोल नहीं है, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि ग्राउंड पे हमें मजबूत होना पड़ेगा, ग्राउंड पे हमें बात करनी पड़ेगी, ग्राउंड पे आना पड़ेगा। और ग्राउंड पे जब तक हम नहीं आएंगे, पिछले करीब 1.5 महीने से हमने ग्राउंड पे कोई प्रोटेस्ट नहीं किया है। 28 फरवरी का मैंने दिल्ली में अनाउंस कर रखा है कि करेंगे, लेकिन उस पर भी कई लोग का ये कहना है कि नहीं, हम सोशल मीडिया पे ही प्रोटेस्ट करें। और बहुत लोगों के मैसेज मेरे पास आते हैं कि 28 का क्या प्लान है, आप बताएं, तो हम उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये सब ऐसी ऐसी बातें हैं, मैं आपको ये कहना बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया करिए, सोशल मीडिया का एक अलग रोल है, ग्राउंड का एक अलग रोल है। और जब तक ग्राउंड पे हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, आपको बहुत लोग किसान आंदोलन की बात करते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ किसान आंदोलन ग्राउंड पे ही हो रहा है, और किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन बन चुका है जिसमें देश के, विदेश के हर जगह से लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। और चाहे वो गलत लोग ही शामिल हो गए, उग्रवादी, खालिस्तानी और गुंडे, बदमाश सब शामिल हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने माहौल बना रखा है, और उसके लिए आप लोग लगातार न्यूज़ वगैरह में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो मेरा तो ये मानना है कि हमें ग्राउंड पे टीम बनानी चाहिए। और मैंने जो एक प्लान पहले आप लोगों से शेयर किया था कि एक सेंट्रलाइज टीम हो, लगभग 8-10 शहरों के लोग जो सुशांत के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, उन सबको मिला करके एक टीम बनाया जाए, प्लान अच्छा था, काफ़ी लोग इस पर एग्री थे, काफ़ी लोगों से बात हुई, और ये लोगों का ये था कि हाँ नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने काफ़ी जम करके इसका विरोध किया, मैंने वो प्लान छोड़ दिया और मैं चुपचाप हो गया। हंस रही है देखिए कि अब इस प्रोटेस्ट में 2-3 लोग ही अपने अनुसार लीड कर रहे हैं, और जिन्हें जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। तो काम ऐसे नहीं होता है, सबको साथ लेकर के ही हम किसी भी मुहिम को चला सकते हैं, क्योंकि आपके मन में जो इच्छा हो रही है वो तो आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है कि ये जो हैशटैग जो आजकल निर्धारित हो रहा है, पहले जो हैशटैग चल रहा था उसमें हैशटैग का सिंबल रहता था, और उस पर जब हम क्लिक करते थे तो पूरा पेज खुल जाता था अगला, जिससे पता चलता था कि किसने क्या क्या ट्वीट किया है, कितने ट्वीट हुए, कौन कौन कर रहा है। अब इस हैशटैग को स्पेशली कॉपी करो, पेस्ट करो, ये एक अलग मुद्दा बना हुआ है जो कहीं ना कहीं ट्वीट्स को स्लो कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो लोग को लग रहा है कि ये सब अच्छा हो रहा है, मेरी बधाई है, मैं साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगा, लेकिन अपने विचारों को मैं बोलने से नहीं रोक सकता। मेरे मन में जो आता है वो मैं ज़रूर बोलूँगा और बोलता रहूँगा, बाकी निर्णय आपके हाथ में है, करना आपको है। जय हिंद।